ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि माय मोटो इज सिंपली आई विल नॉट लूज। अब देखिए, लूज का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई चीज करने गए हो और उसमें आपको सक्सेस हासिल ना हुई हो। लूज का मतलब ये होता है कि आप फिर से ट्राई ना कर रहे हो। मतलब आप जब क्विट कर देते हो तब आप लूजर कहलाते हो, तब तक आप विनर ही कहलाते हो, क्योंकि कब आप जीत जाओगे ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसीलिए आपका मोटो जो है सिंपली ये रहना चाहिए कि आई विल नॉट लूज। इसका मतलब है कि मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, गिरूंगा भी तो फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से अचीव करने के लिए तैयार रहूंगा। आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होना चाहिए, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स नहीं, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपके गोल्स को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की हुई है। और जब आप फेल भी हुए हो फिर भी आपकी मेहनत वाया नहीं जा रही, वो आपको जरूर काम आएगी। इसीलिए हमेशा डटे रहिए, हमेशा लड़ते रहिए और जीतने की भूख रखिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 3 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी गैप गिरी है, मगर मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी ट्रैवलिंग में था, उस वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। मगर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी बैकलॉग है वो कवर कर लिए जाएंगे, या तो एनालिसिस जो है उसी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, या फिर सेपरेट, अगर बहुत ज़्यादा उसमें आता है तो सेपरेट में वीडियो जो है वो बना लूँगा। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। और आज या फिर कल मैं पूरा जो बजट का एनालिसिस है वो भी कर दूंगा, और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बजट एनालिसिस रहेगा, जिसमें आपको बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी, और उसी के साथ साथ जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके भी यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, जिससे कि आपका जो इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो सभी यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, तो काफ़ी आसान है कंट्री का नाम बताना, मगर आपको कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो भी लिखना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिस वजह से भी ये न्यूज़ में चल रही है उसकी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इस कंट्री का नाम बताना है, कैपिटल बताना है, करेंसी बताना है, उसके बाद ये किस वजह से न्यूज़ में चल रही है, मतलब अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी लिखना है, और उसी के साथ साथ इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लिखना है। सिर्फ ये नहीं कि ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, और ये जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसीलिए आप ज़रूर लिखिए और फिर वीडियो को आप रिज्यूम कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उस पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर 13,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, और उसी के साथ साथ आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, और आप मुझे जो ट्विटर है उस पर भी फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल तो है ही जिससे आपको वीडियो अपडेट जो है वो भी मिल जाया करेंगे, और उसी के साथ साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर मैं अपडेट कर दिया करता हूँ, और PDF जो है वहाँ पर से आपको मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पर द एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें द इम्पोर्ट ऑफ चीताज, मतलब जो चीताज हैं वो हम अफ्रीका से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इस आर्टिकल में वेटलैंड्स के बारे में बात की गई है, 10 नए और वेटलैंड जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, तो अब टोटल संख्या जो है वो 37 की हो जाती है, तो इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल है वो सब कुछ हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर बोडोज जो है उनकी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। अभी देखिए बोडोज के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो किस तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट किया गया है ना, और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं तो मोदी जी ने वो उनकी लैंग्वेज में यहाँ पर दर्शाए थे, मतलब ट्वीट जो है वो किए थे,
इसीलिए इनकी लैंग्वेज जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। सर बस इतना आपको याद रखना है, देवनागरी जो है उस इसमें हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बोडो जो है बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है वही सिर्फ इम्पोर्टेंट वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज़ पेज अगर आप देखोगे उसमें पूरी तरीके से बजट जो है उसके बारे में ही बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज या फिर कल बजट जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी पूरी तरीके से आपके सामने लाया जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसीलिए आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरों को भी शेयर कीजिए वीडियोज़ जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। अब देखिए वर्ल्ड और गवर्नेंस पेज जो है उसमें भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज हमें देखने को मिलती है। कोरोना वायरस जो है वो फिलीपींस मतलब चाइना के बाहर अगर कोई डेथ देखने को मिलती है तो फर्स्ट डेथ फिलीपींस में देखने को मिल रही है। भारत में भी दो जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं केरला में। तो चलिए पहले आर्टिकल पर आते हैं, वेटलैंड्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और देखिए जैसा कि आप सब जानते हो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये बोलना था कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं फिर उसके बाद अगर उन्हें रिवाइज करना है 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद तो उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन से न्यूज़ आर्टिकल में वो जो आर्टिकल है वो कवर किया गया था न्यूज़ एडिटोरियल में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हर एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है उसके सेपरेट वीडियो मतलब सिर्फ एडिट करके उसे अपलोड कर रहा हूँ, और उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जो करंट अफेयर्स 2020 नाम से। तो उसमें आप यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सब वहाँ पर देख सकते हो, और इंडिपेंडेंटली भी आप सर्च करके वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर वेटलैंड्स के बारे में बात की गई है, जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड के बारे में जो कुछ भी हुआ है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड मतलब एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार की थीम क्या थी, और उसी के साथ साथ अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो पूरा यही फॉर्मेट होता है हर एक न्यूज़ का। अब यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन जो है ये तीन स्टैटिक पोर्शन में आते हैं, थीम जो है हर भली ये करंट में आएगी क्योंकि इस साल थीम क्या थी वो हर साल चेंज होती रहती है। तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है वो अडॉप्ट किया गया था रामसर में जो कि है ईरान में, और अब तक हमारे पास 27 वेटलैंड्स थे लेकिन अब 10 नए और वेटलैंड जो है वो ऐड किए गए हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम पर। तो अब यहाँ पर टोटल संख्या जो है वो 37 की पहुँच चुकी है। अब 2020 की अगर हम थीम देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे की, क्योंकि 2 फेब ये जा चुका है, तो ये थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीम जो है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। अब देखिए कन्वेंशन जो है उसने जो डेफिनेशन है वेटलैंड की वो काफ़ी ब्रॉड रखी हुई है, मतलब उसमें लेक्स रिवर्स अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स स्वैम्स एंड मार्शेस वेट ग्रासलैंड्स पेटलैंड्स ओशेस एस्चुरीज डेल्टास टाइडल फ्लैट्स मैंग्रूव्स कोस्टल एरियाज कोरल रीफ्स ऑल ह्यूमन मेड साइट जैसे कि फिश पॉन्ड हो गया राइस पैडीज हो गया रिजर्वायर्स हो गया सॉल्ट पैंस हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मतलब जो वेटलैंड्स है ये सब हमें वेटलैंड्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो है मतलब IPBES उनके तरफ से भी ग्लोबल असेसमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं वेटलैंड को एज मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। मतलब अगर कहीं पर कोई पॉन्ड है अगर वो काफ़ी थ्रेटेंड है तो फिर उसे वेटलैंड के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। अब देखिए इम्पैक्ट 40% वर्ल्ड्स प्लांट एनिमल स्पीशीज जो कि यहाँ पर वेटलैंड जो है उसमें रहते हैं 40%। ध्यान दीजिए ये जो आंकड़े होते हैं कभी कभार मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंट है लेकिन मेंस में अगर आप लिखते हो तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ये जो वेटलैंड्स है इंपैक्ट करते हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एनिमल स्पीशीज जो कि यहाँ पर वेटलैंड्स में ब्रीड करते हैं रहते हैं। 30% जो है लैंड वेस्ट कार्बन वो स्टोर्ड होता है पीट लैंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30%। मतलब आप सोचिए कि कार्बन सिंक जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 1 बिलियन पीपल जो है वो वेटलैंड पर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए, और वेटलैंड जो है $47 ट्रिलियन एसेंशियल सर्विस जो है एनुअली प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू वेटलैंड्स डे ऑफिशियल वेबसाइट।
तो मतलब ये जो आंकड़े हैं 40%, उसी के साथ साथ 30% और 1 बिलियन 47 ट्रिलियन डॉलर। 47 ट्रिलियन डॉलर छोटे नहीं है आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है, है ना। तो ये जो आंकड़े हैं ये अगर आप मेंस में लिखते हो तो काफी अच्छा होगा, इसलिए याद रखना भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। 40% जो है वो वेटलैंड पर ब्रीड करते हैं, रहते हैं, 30% जो है कार्बन स्टोर होता है, 1 बिलियन लोग जो है वो डिपेंडेंट है वेटलैंड पर। अभी देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 7 लाख वेटलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और उनके प्रोटेक्शन के रूल्स भी बनाए गए हैं। अब वेटलैंड जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017। अब देखिए 2010 का जो वर्जन था रूल्स का वो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। मतलब क्या रहेगी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये हमें देखने को मिलेगी वेटलैंड को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन फिर 2017 में रूल्स चेंज किए जाते हैं और वो इसे रिप्लेस करते हैं स्टेट लेवल बॉडीज के साथ, और नेशनल वेटलैंड कमिटी जो है उसका यहाँ पर गठन किया जाता है जो कि एक एडवाइजरी रोल के तहत फंक्शन करती है। अब यहाँ पर न्यूअर रेगुलेशन जो है उन्होंने कुछ आइटम जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं वेटलैंड की डेफिनेशन में से, जिसमें बैक वाटर, लगूनस, क्रीक्स और एस्चुरीज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें वेटलैंड में इंक्लूड नहीं की गई है। तो न्यूअर रेगुलेशन जो है उन्होंने जो बैक वाटर है, लगूनस है, क्रीक्स है, एस्चुरीज है, उन्हें यहाँ पर डेफिनेशन जो है वेटलैंड की उससे रिमूव कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से वेटलैंड जो है हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं भारत में मैप के साथ है, और ये जो मैप है, ये जो डायग्राम है, क्लियर IAS से ली गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो वुलर लेक है, होरेका वेटलैंड है, है ना, सोमोरीरी है, उसी के साथ कंजली है, हरिके है, सांबार लेक है, केवलादेव है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो भोज वेटलैंड है। तो इस तरीके से आप जितने भी वेटलैंड्स है वो देख सकते हो। ये टोटल 27 वेटलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं जो पुराने थे। अब यहाँ पर नए वेटलैंड जो है वो भी ऐड किए गए हैं। नए वेटलैंड कौन कौन से हैं? तो नंदूर मधमेश्वर, ये फर्स्ट रामसर साइट है महाराष्ट्र की। ये नंदूर मधमेश्वर ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है नासिक के पास। उसी के साथ साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 यहाँ पर जो रामसर साइट से ऐड किए गए हैं वो कौन से हैं? केशवपुर, मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल, ये 3 यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और पहले से यहाँ पर 3 जो है वो मौजूद थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे। तो अब यहाँ पर संख्या जो है टोटल संख्या 6 की हो जाती है। और वही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो साइट से ऐड किए गए हैं नवभंज, पृथ्वी आगरा, समन, समसपुर, संधि और सरसई नवर, तो ये 6 रामसर साइट जो है वो यहाँ पर नए ऐड किए गए हैं। और 1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है 1 ऑलरेडी यहाँ पर स्टेब्लिश थी। तो इससे अब टोटल संख्या जो है वो 7 की पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी है, मतलब स्टेट वाइज आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर कौन से स्टेट में देखने को मिलती है, ये वेटलैंड कौन से स्टेट में, ये वेटलैंड कौन से स्टेट में है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से जितने भी वेटलैंड्स है कौन से स्टेट में है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक नया कॉन्सेप्ट देखोगे वो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब देखिए ये हमारे आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर में काफ़ी कुछ चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये मेंटेन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। अभी देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो करंटली 2 वेटलैंड जो है वो हमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में देखने को मिलते हैं। एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में, दूसरा है लोकतक लेक जो कि है मणिपुर में। चिल्का लेक जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया था लेकिन फिर उसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो भी इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है वो डाल दिया जाता है। तो अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वेटलैंड्स के बारे में ये मिल गई होगी। जो जिस तरीके से भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसमें से निकल सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, थीम हो या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे हो, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैच द पेयर में कौन से स्टेट में कौन सा है वो पूछा जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरी हेल्दी इन्फॉर्मेशन है, इसके बाहर वेटलैंड के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है या फिर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर आता है चीतास को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है। अब इसमें जानने की बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है कि क्यों यहां पर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है चीतास को।
अभी देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अलाव किया है कि वो जो अफ्रीकन चीताज है उन्हें सूटेबल हैबिटेट जो है भारत में वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें जो ट्वीट है वो भी देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ओके है वो यहाँ पर दे दिया है चीताज को इंट्रोड्यूस करने के लिए नामीबिया से, मतलब जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो अब बहुत ज़रूरी है सबसे पहले नामीबिया आता कहाँ पे है वो समझना, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे खूबसूरत धरती है, हम जूम करते हैं तो हम भारत जो है वो नज़र आता है। अब हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें घूम कर सीधा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और अगर हमें नामीबिया में जाना है तो हमें यहाँ पर नीचे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पर और नीचे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप जो है वो आपको दिखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको नामीबिया जो है वो नज़र आएगा। और नामीबिया है यहाँ पर आपको नेशनल पार्क जो है वो भी दिखाई देगा, काफ़ी नेशनल पार्क यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर चीतास की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए नामीबिया से हम यहाँ पर इम्पोर्ट करने वाले हैं चीतास को। तो नामीबिया किस किस कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो भी समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप साइड में देख सकते हो बोत्सवाना है, एकदम आसान है, नीचे आपको साउथ अफ्रीका नज़र आएगा ये भी काफ़ी आसान है, ऊपर अंगोला नज़र आएगा ये भी काफ़ी आसान है, मगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक स्ट्रीप है, देखिए छोटी सी स्ट्रीप है जो कि यहाँ पर और कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर जाम्बिया उसे भी कनेक्ट कर रही है, और जिम्बाब्वे को भी थोड़ा बहुत जो है वो कनेक्शन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से नामीबिया जो है कौन कौन से कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसीलिए इसके बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। और नीचे यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन जो है उसे भी नामीबिया जो है वो यहाँ पर कवर करता है, मतलब कनेक्ट जो है वो होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी कैपिटल विंड होक, ये इसकी कैपिटल जो है वो हमें देखने को मिलती है। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल होगी इसके बारे में तो वो भी आप लिख सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि ये इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। अभी देखिए नामीबिया पहली कंट्री नहीं है जहाँ पर इंडिया ने अप्रोच किया है कि हमें चीता को इम्पोर्ट करने दो। इंडिया जो है उसने ईरान को भी यहाँ पर अप्रोच किया था एशियाटिक चीतास के लिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अभी देखिए जो एशियाटिक चीता है उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया गया है IUCN रेड लिस्ट में, और अगर देखा जाए तो भारत से तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मगर ईरान में वो सर्वाइव होते हुए नज़र आते हैं, और इसीलिए इंडिया चाहता था कि ईरान से हम उन्हें इम्पोर्ट करें। मतलब 1990s में देखा जाए तो 400, और उसके बाद उनकी जो संख्या है वो आज एट प्रेजेंट 50-70 ही रह गई है सिर्फ। अब इसके कारण क्या क्या है, कारण भी कई ज़्यादा है, पोचिंग है, हंटिंग है ना, ये सारी चीज़ें, और जो ह्यूमंस का इंक्रोचमेंट है हैबिटेट में, ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि जो संख्या है चीतास की वो यहाँ पर कम कम होती जा रही है, और ईरान में ही वो सर्वाइव होते हुए देखने को मिलते हैं जो एशियाटिक चीतास है। और इसीलिए एशियाटिक चीताज ही भारत में आए, इसके लिए भारत ने ईरान को अप्रोच किया था कि आप हमें एशियाटिक चीता जो है वो इंपोर्ट करने दीजिए, मगर ईरान ने मना कर दिया, और इसीलिए अब भारत को अफ्रीका की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, और नामीबिया से जो अफ्रीकन चीताज है उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए जब हम एशियाटिक चीतास को ही इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि हैबिटेट वगैरह से वो वाकिफ रहेंगे और उस तरीके से वो आराम से रह सकते हैं, मगर जब हम किसी और कॉन्टिनेंट से, किसी और रीजन से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर सर्वाइवल के लिए जिस हैबिटेट में वो सूट हो सके उसी हैबिटेट में उन्हें रखना पड़ता है। अब देखिए 1947 में जो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह है देवघर गोरिया के छत्तीसगढ़, तो वो काफ़ी इनफेमस थे जो चीताज है उन टाइगर्स है लायंस है उनकी शूट करने के लिए, उनकी हंटिंग करने के लिए, तो उन्होंने 1150 टाइगर जो है उनकी यहाँ पर हंटिंग की थी, उन्होंने मार दिया था, और उन्होंने ही यहाँ पर एशियाटिक चीता जो है नॉन एशियाटिक चीता लास्ट भारत में उसकी हत्या की थी। और 1952 में चीता जो है उसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था भारत से। अब देखिए यहाँ पर क्यों इम्पोर्ट किया जा रहा है चीताज को, तो सबसे पहले तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि चीतास को हम इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जी नहीं, ये 2010 से ही शुरू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मतलब जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर एडवोकेट किया था कि जो स्पीशीज है कंट्री में फिर से रीइंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए, मतलब UPA 2 जो रिजिम था उस टाइम पर ही यहाँ पर बोला गया था कि फिर से हमें रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए।
सवाल आता है क्यों रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो EQ's का जवाब आता है वो है फूड वेब। अब देखिए जो लार्ज जो कार्निवोरस होते हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो थ्रेटन स्पीशीज है उसे कंजर्व करने के लिए और इकोसिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन में रखने के लिए। जो चीता है वो ओनली लार्ज कार्निवोरस है जो यहाँ पर मारे गए हैं ओवर हंटिंग के वजह से, मतलब उनकी जो संख्या है वो कम हुई है ओवर हंटिंग के वजह से हिस्टोरिकल टाइम्स में। हंटिंग की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली जो फूड वेब है उसकी वजह से यहाँ पर उनकी संख्या जो है वो कम नहीं हुई है, बल्कि इनकी संख्या कम हुई है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से। तो इसीलिए अगर हम फिर से इनका रीइंट्रोडक्शन करते हैं तो अच्छी तरीके से जो इकोसिस्टम है वो भी फंक्शन कर सकती है। और देखिए एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली भी काफ़ी सक्षम है, इकोनॉमिक एबिलिटी जो है इंडिया की वो भी काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर फिर से वो रिस्टोर कर सके जो लॉस्ट नेचुरल हेरिटेज रहे हैं उनको, और एथिकल एज वेल एज इकोलॉजिकल रीजंस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता इन दोनों में डिफरेंस जो है वो भी हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो IUCN स्टेटस अगर हम देखते हैं तो अफ्रीकन चीता का है वल्नरेबल और एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा यहाँ पर अगर हम साइट्स का स्टेटस देखते हैं तो साइट्स के स्टेटस में अफ्रीकन और एशियाटिक चीता दोनों को ही यहाँ पर अपेंडिक्स 1 जो है उसमें रखा गया है। और वही अगर हम हैबिटेट देखते हैं तो 6500 से लेकर 7000 अफ्रीकन चीता जो है वो एट प्रेजेंट वाइल्ड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो सिर्फ ईरान में 40 से 50 जो है वो अभी देखने को मिलते हैं। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो जो एशियाटिक है वो छोटे होते हैं, लेकिन जो अफ्रीकन है वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर आप फूड वेब जो है वो भी देख सकते हो, जिस तरीके की मैंने से बात की थी कि फूड वेब इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पर अगर चीता जो है वो अगर हम यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो फूड वेब जो है, फूड चेन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी और जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज है उसे हम यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं। और फूड वेब और फूड चेन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फूड चेन मतलब होता है जो एक ही चेन यहाँ पर चलती रहे, मतलब कि लायन वो खाता है अगर एंटीलोप को, उसके बाद एंटीलोप खाता है ग्रासेस को, तो ये एक ही फूड चेन हमें देखने को मिलती है। लेकिन फूड वेब की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि लायन भी एंटीलोप को खाता है, चीता भी खाता है, लेपर्ड भी खाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है फूड वेब में। तो फूड वेब में क्या होता है, अगर एक आधा निकल भी जाए, एक्सटेंड भी हो जाए, तो भी फूड वेब जो है वो चलता रहता है। मगर फूड चेन में अगर एक को निकाल दिया जाए, जैसे कि हमने देखा था लायन है, एंटीलोप है और ग्रासेस है, अगर हमने एंटीलोप को निकाल दिया तो फिर लायन किसको खाएगा, वो तो ग्रास नहीं खा सकता है, तो उसके भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है फूड चेन में, वो एक लिमिटेड स्कोप है, फूड वेब एक वाइडर स्कोप है जिसमें से अगर एक चीज़ को निकाल भी दिया जाए तो भी उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो होता है। तो इसी तरीके से चीता जो है वो ना रहने के बावजूद यहाँ पर फूड वेब जो है वो तो चल ही रहा था, मगर अगर हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो हम यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से, और यहाँ पर फूड वेब जो है उसे और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि फिर से यहाँ पर चीता जो है उन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जाए भारत में, और ईरान से उन्होंने मांग की थी मगर ईरान ने मना करने की वजह से अब हम नामीबिया मतलब अफ्रीकन जो चीताज है उन्हें यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है PTA पर। अब PTA मतलब क्या होता है, PTA का मतलब होता है प्यूरिफाइड टेरेपेथेलिक एसिड। इसकी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसे यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाए जिससे कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमें समझने की क्या ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, स्क्रैप करने की वजह से एक्सपोर्ट जो है उसे हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इकोनॉमी प्लस जो यूनियन बजट है वो सेक्शन में हमें देखने को मिलती है ये न्यूज़ आर्टिकल। अभी देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, जो भी रॉ मटेरियल्स है सिंथेटिक फाइबर बेस्ड जो क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सर्टन जो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट है उस पर यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाए, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं और जिससे कि जो एक्सपोर्ट है उसे हम बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑब्वियस एक्सपोर्ट का बूस्ट होगा जब हमारे यहाँ पर कोई सस्ता माल बनेगा और वो दूसरी कंट्रीज़ में सस्ता दिखाई देगा तो ज़्यादा लोग वहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। चाइना का क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो काफ़ी सस्ते नज़र आते हैं, इसीलिए वहाँ पर काफ़ी बूस्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए
जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो बेसिकली क्या होती है, तो एग्जांपल की तो समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर है यूएसए और यहाँ पर है इंडिया। अब यूएसए जो है वो अगर जो लोटस है वो अगर सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अब डंपिंग मतलब क्या होता है कि वो किसी और मार्केट में, किसी और कंट्री के मार्केट में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के प्रोडक्ट्स को एकदम सस्ते दाम पर। अब यहाँ पर जो लोटस है उसका दाम अगर है 5 रुपीज़ का, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं रुपीज़ में समझने के लिए, तो 5 रुपये का एक लोटस जो है वो हमें यूएसए में देखने को मिलता है। लेकिन यही लोटस जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो 2 रुपये का ही दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी कंट्री में जितने का बेच रहे हैं उसे सस्ते दाम पर दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं जिससे कि वो मार्केट जो है वो कैप्चर कर सके। अब यहाँ पर जो भी लोटस बेच रहे हैं उनका माल यहाँ पर सस्ता हो जाएगा, है ना, उनका माल बेचा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो कितने में बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 4 रुपये में या फिर 5 रुपये में, तो अब ये सब यही खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, इंडियन मार्केट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उस वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया जो है उसकी जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो पूरी खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर जो डंपिंग हो रहा है तो इसे कम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो सरकार की तरफ से लगाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रुपये में बेच रहे हैं तो सरकार यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी 3 रुपये की, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी अब ये लोटस की, वो हो जाएगी 5 रुपये की। तो इस तरीके से जो कीमत है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के जरिए यहाँ पर चेंज की जा सकती है। मतलब क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी स्क्रैप करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में हमारे कंट्री में मिले। अब सोचिए कि जब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर ये जो कॉटन है, कॉटन अगर बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है, ठीक है, कपड़ा अगर बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है, तो फिर यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कंसिडर करते हैं प्लास्टिक की बॉटल, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल हम यहाँ पर बनाते हैं इंडिया में। अब यहाँ पर प्लास्टिक अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, अब यूएसए यहां पर क्या कर रहा है, प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं 1 kg प्लास्टिक जो है वो यहां पर यूएसए में बेचता है 10 रुपए का, लेकिन वो यहां पर बेच रहा है 5 रुपए का, ठीक है। तो अब ये जो प्लास्टिक इंडिया में बेचा जा रहा है 5 रुपए में, तो उससे हम प्लास्टिक की बॉटल बना बना के सेल कर रहे हैं, तो अगर हमें यहां पर 10 रुपए का यहां पर यूएसए में बेचा जा रहा है तो यूएसए को प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में कितने में बेचना पड़ेगा, कम से कम 11 रुपए में, बराबर है, एक्सपोर्ट की कुछ ये भी तो लगना चाहिए ना उस पर, तो 11 रुपए में अगर बेचता है तो पानी की बोतल कितने में जाएगी, 15 रुपए में बनेगी, सही है। मगर सोचिए कि अब यहाँ पर वो 5 रुपए में ही बेच रहा है तो पानी की बोतल कितने में बनेगी, 7 रुपए में, तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 8 रुपए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब तुम बेच रहे हो अपनी कंट्री में 10 रुपए में, तुम्हारे कंट्री में पानी की बोतल मिलेगी 11 रुपए में, हम बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर बूस्ट हो सकता है ना, क्योंकि इंडिया की पानी की बोतल यहाँ पर सस्ती नजर आएगी। तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट का बात अलग है, फिनिश प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करते हैं उस पर अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी ने लगाया तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट पूरा खत्म हो सकता है, मगर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर स्क्रैप कर देते हैं, अगर वो बहुत ही सस्ते दाम में हम लेते हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर हम सस्ते दामों में दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूस्टअप हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्रैप करने की बात की गई है एंटी डंपिंग ड्यूटीज को पीटीए पर, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है उसे बूस्टअप मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है पहली बार इम्पोज की गई थी 2014 में, ठीक है, यहाँ पर जो एडिशनल चार्जेस यहाँ पर $27 से $160 जो है मेट्रिक टन वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से हम स्क्रैप अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है हमें देखने को मिल सकता है, ये पूरा चीज़ इस न्यूज़ आर्टिकल के जरिए हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पर 3.8 फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफ़ी एम्बिशियस नज़र आ रहा है, ऐसा बोला गया है इकोनॉमी सेक्शन में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, बजट से रिलेटेड न्यूज़ है, बजट में यहाँ पर आप देख सकते हो जो बजट रिवाइज्ड एस्टीमेट है 2019-20 का, वो 3.8% फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, और जो बजट एस्टीमेट है 2020-21 का, वो 3.5% पर रखा गया है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ये काफ़ी एम्बिशियस है। एम्बिशियस क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो GDP ग्रोथ रेट है वो हमारी काफ़ी नीचे चल रही है, और उसी के 65,000 करोड़ एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में रेस किए जाने की बात की जा रही है, और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है अगेंस्ट 1.05 लाख, सिर्फ इतना जो है वो हमें देखने को मिला है कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना आया है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोले गए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ जो GST है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है, बाकी चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिली है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये काफ़ी एम्बिशियस है 3.8 जो फिस्कल डिफिसिट की यहाँ पर बात की गई है।
आप देखिए पूरी जो चीज़ें हैं, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो बजट का लेक्चर में लेकर आऊँगा उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है बजट के लेक्चर से, इसीलिए आप वो ज़रूर देखिए। और इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें बजट से ही रिलेटेड है, तो बजट एक बार मैं लेकर आ जाऊँ उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेपरेट इसके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का भी, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जल्द से जल्द उसे देखने की कोशिश कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहां पर साइंटिस्ट जो है डिजिटली रिक्रिएट करने वाले हैं तमिलनाडु पोर्ट सिटी, जो कि सी के द्वारा सेलो की गई थी 1000 ईयर्स अगो। अब इसमें हमें संगम एज जो है वो देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली जो चोला डायनेस्टी है उसके बारे में बात की गई है। चोला डायनेस्टी की पोर्ट सिटी जो थी तमिलनाडु में वो वैनिश हो गई थी, ठीक है, उसके बाद मतलब हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिटी है ये वैनिश हो गई थी और उसके बाद अभी इसे फिर से डिजिटली रिक्रिएट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो संगम एज है उसमें जो चोला डायनेस्टी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संगम एज में हमें तीन डायनेस्टी देखने को मिलती है, चोला, चेरा और पांड्या। तो यहाँ पर चोला जो डायनेस्टी है उसकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी उरेयूर है, लेटर इसे तंजोर कहा जाता है, सदन आंध्र प्रदेश में है ना, नदन तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर एम्ब्लेम जो है वो टाइगर का देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो करी कला है डिफिटेड किए गए थे चेरा के द्वारा, पांडेस के द्वारा और बाकी जो चिलर किंगडम्स हैं उनके द्वारा। तो ये कुछ फीचर्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको चोला डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पर चेरा है, यहाँ पर पांड्या डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलती है, ये है सदर्न इंडिया में, ठीक है। अब देखिए टेंपल्स के लिए काफ़ी फेमस थे जो चोला डायनेस्टी, और टेंपल्स के लिए काफ़ी फेमस थे। जो चोला टेंपल आपको इस तरीके से नजर आएगा, मंडप है, विमान है, शिखर है, जो गर्भगृह है, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। साउथ के द्रविडियन स्टाइल में जो भी टेम्पल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और चोला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी फेमस रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मटेरियल्स, उन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, और वॉल्स और पैसेज जो है नीटली डिटेल्ड हमें देखने को मिलते थे। पेंटिंग जो है जिसमें बर्ड्स, डांसिंग फिगर्स, पेट्रोल स्टोरीज, पुरांस के वो सब हमें देखने को मिलते थे। पोर्ट्रेट जो है चोला टेम्पल्स, उसमें ब्यूटीफुल लाइफ साइज पोर्ट्रेट जो है किंग्स की, क्वींस की, वो हमें देखने को मिलती थी। और उसी के साथ साथ गर्भगृह जो है वो चीफ डाइटी रूम था, गर्भगृह जो यहाँ पर आप देख सकते हो, गर्भगृह जो है वो यहाँ पर चीफ डाइटी रूम था, मतलब जहाँ पर जो डाइटी है वो रखे जाते थे। और विमान 5 to 7 स्टोरीज, यहाँ पर चीफ डाइटी रूम, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है विमान जो चीफ इसमें देखने को मिलता है, और ऊपर जो है ये शिखर हमें देखने को मिलता है, उसका शिखर मतलब विमान के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है उसे वो कहते हैं शिखर। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम पलावास के अगेंस्ट में देखते हैं इनको, तो चोला जो है उन्होंने आर्ट ट्रेडिशनल जो है पलावास का वो कंटिन्यू रखा था, लेकिन जो लायन का मोटिव्स है टेंपल वॉल पर वो यहाँ पर अबेंडन कर दिया था। तो ये भी कभी कभार प्रीलिम्स में जो है पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस रहा है। उसी के साथ साथ जो नटराजा है उसमें अगर देखा जाए तो जो मेटल आर्ट है वो रिमार्केबल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है हमें चोला डायनेस्टी में। और एग्जाम्पल नटराज जो है डांसिंग शिवा वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ मंडप अगर देखा जाए तो ऑडियंस हॉल देखने को मिलता है, उसमें भी काफ़ी कार्विंग्स पिलर देखने को मिलते हैं। और गोपुरम, टेंपल गेटवे गोपुरम, वो हमें देखने को मिलता है। तो टेंपल के बारे में कुछ सैलियंट फीचर्स है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव, एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से निकल सकते हैं। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी सेंट्रलाइज था बाकी डायनेस्टीज के मुकाबले। चोला प्रोविंस जो है वो नेवल चीफ्स के द्वारा हैंडल किए जाते थे। एंटायर किंगडम जो है वो मंडल, वंडलुंडू और नाडू विलेजेस जो है इसमें हमें जो डिवाइडेड है वो देखने को मिलता था। टाउन्स और विलेजेस जो है ऑटोनॉमस असेंबलीज वहाँ पर होती थी, असेंबली मेंबर जो उनका टेन्योर होता था 3 ईयर्स। और उसी के साथ साथ कांची सिल्क, ब्रोंज आइडल ऑफ नटराज, कास्ट रिजिडिटी, सती देवदासी सिस्टम यहाँ से इमर्ज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। डेड किंग को वो वर्शिप किया करते थे और टेम्पल जो है उनके ऑनर में वो भी बनाया करते थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रेड जो है काफ़ी फ्लरिश्ड हुआ चाइना के साथ, सुमात्रा, जावा, अरेबिया इनके साथ। लैंड जो है वो टेंपल्स के द्वारा ओन किए जाते थे, आर्टिसंस जो है उनके द्वारा, और टैक्स से उन्हें एग्जम्पशन यहाँ पर मिलता था।
और उसी के साथ साथ प्रेडेटरी नेवल रेड जो है वो उन्होंने यहाँ पर बनाया था, जिससे कि ट्रेजर जो है वह एवरी वंस इन अ वाइल यहाँ पर फिलअप किया जा सके। तो ये कुछ सैलियंट फीचर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो देखने को मिलते हैं। ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि 2013 के मेंस में इस पर चोला डायनेस्टी जो है उस पर क्वेश्चन जो है मेंस में वो भी पूछा गया था। तो चलिए मैप पे सिक्स साइड देख लेते हैं, हमारे खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत नजर आता है, और जो कंट्री की तरफ हमें जाना है वो इंडिया के पास ही है और वो है चाइना। तो ये आप देख सकते हो, चाइना के बारे में मैंने आपसे पूछा था। मैप में पता लगाना, मैप में बताना काफ़ी आसान है, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर येलो सी है, उसी के साथ साथ ताइवान, इसके साथ इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यहाँ पर हांगकांग जो है आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं हांगकांग से रिलेटेड। और उसी के साथ साथ जो वुहान है, यहाँ पर आप देख सकते हो मकाओ और हांगकांग, उसी के साथ साथ जो वुहान है वहाँ पर भी यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो हमें देखने को मिल रहा है ना, जो कोरोना वायरस है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वुहान, और कोरोना वायरस जो है काफ़ी स्प्रेड हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में भी, तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। जो इकोनॉमी है उससे भी रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है चाइना से रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ लिखने को है, अब देखना ये होगा कि कमेंट सेक्शन में किसने कितना ज़्यादा लिखा है इसके रिगार्डिंग, जिससे कि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, दूसरों को भी फ़ायदा मिले, और आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।